Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी बोर हो चुके हैं Asus VivoBook Slate के एड्स देख देख के, जो कि आप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते, एंड यू वांट समथिंग हार्डकोर गेमिंग लैपटॉप? देन मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हूँ अमेजोन इंडिया के एक वेब पेज के ऊपर, जिसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जो कि यहां पे क्रिस्टल क्लियरली आपको बता रहा है दोस्तों कि Asus ROG गेमिंग लैपटॉप जो है उनकी 2022 वाली सीरीज लॉन्च हो रही है। 15 मार्च को जो है दोस्तों 12 बजे ये लॉन्च होगी। बात करें इसके डेट ऑफ अवेलेबिलिटी की, तो दोस्तों लगभग मान के चलिए 20 से 25 मार्च के बीच में जो है आप लोगों को ये वाला लैपटॉप जो है खरीदने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कौन से वेरियंट जो है इस लैपटॉप के लॉन्च हो सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बिकॉज ये इनिशियल आप लोगों को मंथ देखने को मिल रहा है लॉन्चिंग का, तो यहां पे मोस्ट लाइकली आप लोगों को सुपर हाई एंड वाले मॉडल्स ही जो है देखने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ बजट मॉडल्स का जो है कोई भी यहां पे जिक्र नहीं किया गया है। बात करते हैं दोस्तों कौन से मॉडल जो है यहां पे लॉन्च हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारे पास सीपीयू ऑप्शन एज ऑफ नाउ करंट डेट पे कौन से हैं। तो आप लोग क्रिस्टल क्लियरली देख पाएंगे दोस्तों यहां पे बजट एंड इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i7 12 जनरेशन वाले ऑप्शंस नहीं है। आपको सिर्फ हायर एंड वाला इंटेल कोर i9 12 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को यहां पे 6000 सीरीज में AMD Ryzen 7 एंड AMD Ryzen 9 वाला जो है यहां पे सीपीयू कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 12th जनरेशन इंटेल कोर i9 में जो है आपको कौन सा मॉडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग क्रिस्टल क्लियरली देख सकते हैं इंटेल कोर i9 12th जनरेशन प्रोसेसर में आप लोगों को RTX 3060, RTX 3070 Ti और RTX 3080 वाले ग्राफिक कार्ड का भी जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को क्वाड एचडी के केस में 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोगों को फुल एचडी के केस में 300 हर्ट्ज का जो है यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो रैम के ऑप्शन है दोस्तों 16 जीबी तक जो है देखने को मिल जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द वेरिएंट। कुछ वेरिएंट्स में दोस्तों अगर हम स्ट्रिक्स स्कार की बात करें तो वहां पे आप लोगों को अप टू 32 जीबी के रैम के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। बाय द वे दोस्तों यहाँ पे जो भी रैम ऑप्शन में देख रहा हूँ आप लोगों को DDR5 रैम ऑप्शन ही देखने को यहाँ पर मिलेगी। एनीवे फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है देन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी और काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगला वेरिएंट दोस्तों निकल कर आता है AMD Ryzen 9 6000 सीरीज के बारे में। नाउ जो Ryzen सीरीज है दोस्तों आई हाईली डाउट कि Intel के साथ में ही लॉन्च होगी, बट लेट होप कि ये वाली सीरीज भी जो है साथ में लॉन्च हो जाए। तो आप लोग यहां पे क्रिस्टल क्लियरली देख पाएंगे दोस्तों इवन इन केस ऑफ Ryzen 9 6000 सीरीज आप लोगों को RTX 3060 का ऑप्शन भी यहां पे देखने को मिल जाएगा। वेल, मैं RTX 3060 का ऑप्शन दोस्तों इसलिए पिन पॉइंट करके बोल रहा हूं बिकॉज डेफिनेटली RTX 3080 3070 तो आप लोगों को जो है हायर एंड कॉन्फ़िगरेशन में मिलेंगे, लेकिन RTX 3060 और Ryzen 9 CPU GPU कॉम्बिनेशन एक अच्छा खासा बैठता है बोथ इन प्राइस एंड बोथ इन परफॉर्मेंस। तो यहां पे भी दोस्तों आप लोगों को अप टू 16 GB DDR5 RAM के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दोस्तों यहां पे देख पा रहा हूं कि आप लोगों को 1 TB SSD के जो है ऑप्शन यहां पे ज्यादा से ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक सबसे बजट वाला ऑप्शन दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि Asus ROG Strix G15 में आप लोगों को Ryzen 9 के साथ में RTX 3050 वाला भी जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोगों को 8GB की DDR5 RAM भी देखने को मिल रही है और साथ ही में आप लोगों को 512GB का NVMe स्टोरेज भी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों यहां पे सबसे बजट एंड कॉन्फ़िगरेशन की, जहां पे आप लोगों को Ryzen 7 6000 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों Asus ROG Strix G17 जो है आप लोगों को Ryzen 7 और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ में जो है देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोगों को 8GB RAM एंड 512GB ऑफ SSD देखने को मिल जाएगी। आपका क्या मानना है दोस्तों इन लैपटॉप्स के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।